25 मिनट्स हो गए, प्लीज 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 मैं फिनिश कर रहा हूँ। इसने मना किया है, अब इसको एक्सटेंड न करे प्लीज। सभापति महोदय आप जनाब तशरीफ रखे, आप तशरीफ रखे, आप तशरीफ रखे, आप तशरीफ रखे, मैं आपको सभापति महोदय ये भारतीय दंगा पार्टी बन चुकी है। मिनट भारतीय जनता पार्टी बोलने नहीं है के लिए, अब ये भारतीय दंगा पार्टी बन चुकी है। बस फिनिश कर दे, मुझे बोल नहीं देते मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। तो बोल रहा है बोल नहीं दे रहा हूं साहब। श्री राठौर साहब मैं आपको भी याद दिलाना चाहता हूं। श्री सभापति महोदय राठौर साहब आपको भी याद दिलाना चाहता हूं, बोलने का समय दिया इसके लिए धन्यवाद। कोरोना काल में प्रदेश की जैसी अवस्था हुई प्लीज तो जनता से छुपी हुई नहीं है। आप बहुत अच्छे वक्ता है, प्लीज फिनिश इट, ये आप इनको समय दे दिया प्लीज। राजस्थान सरकार ने अलग अलग राज्यों के लिए सरकार के आईएएस आईपीएस कोऑर्डिनेटर के लिए नियुक्ति की, मैं खुद साक्षी हूं। सभापति महोदय मुख्यमंत्री आवास में 20 बार टेलीफोन करने के बावजूद जितने अधिकारी लगाए हुए थे एक भी फोन नहीं उठाता था। प्रदेशियों को आवागमन के लिए आंध्र प्रदेश से लगाकर, गुजरात से लगाकर, महाराष्ट्र से लगाकर, मेरे बाड़मेर जिले के भी प्रवासी अपने धंधे के व्यवसाय के लिए बाहर जाते हैं। राजस्थान सरकार ने जो ऑफिसर तय किए थे उनके नंबर भी व्हाट्सएप पे डाले थे ग्रुप में, एक भी अधिकारी ने फोन नहीं उठा। और कोरोना काल में प्रवासियों के लिए ऐसी हालत कर दी कि वास्तव में वो पैदल चलकर 15-15 दिन तक आए, कोई टेलीफोन उठाने वाला नहीं था। भाई भाई लूट रहे कि हमने ये किया और वो किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय कि आज की तारीख में भी 2 साल के अंदर ये तीसरा बजट है, तो बजट में घोषणा की है एक भी धरातल पे कोई चीज लागू नहीं हुई है। शिक्षा में ले लो, ऊर्जा विभाग में ले लो, जैसे सड़कें में सेंट्रल गवर्नमेंट की या नेशनल हाईवे रोड जो चल रहे हैं उसका काम चल रहा है, एक भी 1 किलोमीटर भी मिसिंग लिंक नहीं। ग्रामीण गौरव पथ की जगह इन्होंने पद का नाम दिया और वो 1 किलोमीटर भी आज तक कोई जगह रोड नहीं बनी। या तो सब विधानसभा में नहीं बनी है या ये बाड़मेर जिले में भारतीय जनता पार्टी से, मैं शिवाना से विधायक हूं इसलिए मेरे यहां नहीं बनी है। मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि रोड से लगाकर कोई तरह का काम ग्रामीण गौरव पथ, प्रधानमंत्री सेकंड फेज की सड़कें भी अभी तक चालू नहीं की, और पूर्व में जो रोड सेक्शन थी उनका काम हो गया, कुछ काम अधूरा पड़ा है। तो ठेकेदारों को आज दिन तक नया पैसा नहीं दिया गया, वो भी टूट कर वापिस बिखर गए। आज की तारीख में जो पहले हालत थी वो हालत सड़कों की हो गई है। शिक्षा के बारे में बता रहे कि शिक्षा में हमने बहुत ही तरक्की की, मैं ये ईमानदारी पूर्वक कह सकता हूं कि शिक्षा में राजस्थान में अगर शिक्षा के प्रति किसी ने ध्यान दिया है ग्राम और ढाणी से लगाकर ग्रामीण क्षेत्र तक, तो स्वर्गीय भैरू सिंह जी शेखावत ने एक साथ में राजस्थान में 5वीं से लगाकर 8वीं अपर पंचायत हेडक्वार्टर का 8वीं करने का कार्य किया था। 2008 में राजस्थान की मुख्यमंत्री जी ने एक साथ में राजस्थान में बिना भेदभाव 8वीं से 10वीं करने का कार्य जो किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आपको ध्यान होगा माननीय सभापति महोदय, 2013 से 18 करीब 8,000 सीनियर सेकेंडरी करके राजस्थान में गांव और ठाणी तक एक सीनियर पंचायत हेडक्वार्टर तक शिक्षा के लिए जो कार्य किया तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ। यह जरूर कह सकता हूं कि अभी जितने भी कर्मोन्नत स्कूल हुए हैं मेरी विधानसभा में एक भी नहीं हुआ है। शिक्षा के प्रति आप ध्यान दें, और सिंचाई के अंदर हमारा क्षेत्र है वहां अरावली की पहाड़ी है और वहां जो जितने हैंडीकट के टेंडर हुए थे शिक्षा विभाग के वो भी कैंसिल करके पड़े, 2 साल में एक नए पैसे का कार्य नहीं हुआ है। आप पानी की बात करें, 2003 में जो पोकन फलचूंड और उम्मीद सागर धवा योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की थी, 17 में और 18 में पोकन फलचूंड का कार्य पूरा होना था। 103 गांव शिवणा के हैं और 57 गांव
सिंदरी के हैं और 15 गांव नर्मदा से हैं। आज की तारीख में सिवाना में इस सर्दी के अंदर सर्दियों में 20 से 25 दिन तक पानी नहीं आ रहा है और यह हालत हो गई है कि जिस दिन आचार संहिता 6 तारीख को आचार संहिता लगी थी उस दिन काम बंद हुआ था। आज की तारीख में 12 किलोमीटर लाइन पड़ी है, पीने के लिए पानी नहीं है। कई बार मंत्री जी को निवेदन कर चुके, कई बार मुख्यमंत्री जी को निवेदन कर चुके और सबसे ज्यादा तो माननीय सभापति महोदय, मेरी 3 पंचायत समिति या 3 तहसील है, 2 उपखंड अधिकारी बैठते हैं वहां पेयजल के लिए, 2 आईएन, 1 डेपोटेशन पे 4 जयन, 1 जयन था उसको भी उठा के लेके गए, 1 जो पंप ड्राइवर के परोसे पूरी विधानसभा चल रही है पेयजल की, इससे ज्यादा क्या सरकार काम कर सकती है। पटवारी नहीं, ग्राम सेवक नहीं, तहसीलदार, आज 1 साल से सिवाना हेडक्वार्टर पे तहसीलदार नहीं है, समदरी में तहसीलदार नहीं, अभी 15 दिन पहले 1 तहसीलदार लगाए, इस स्थिति कर दिए। आप शिक्षा के बारे में कहेंगे, 2018 में आईटीआई 15 करोड़ से सिंदरी में बड़ी हुई पड़ी है भवन, कई बार मंत्री जी को निवेदन करने के बाद में आज दिन तक उसमें झंझर झंझर हो रही है, 15 करोड़ की लागत से बनी हुई, आज दिन तक उसमें चालू नहीं की, स्टाफ नहीं लगा। आप कह रहे हमने कॉलेजें खोल दी, कहाँ है भवन आपका? 1 भी भवन नहीं। मेरे समदरी में कॉलेज खोल दी, सिवाना में प्रोफेसर नहीं, सिवाना में 3 करोड़ सेंक्शन हुए, काम चालू हुआ, पेमेंट नहीं दिया तो आज काम वो बंद पड़ा है। पेयजल की सुविधा नहीं, बिजली में जरूर आपने कीर्तिमान स्थापित किया है, बिलों की रेट बढ़ाने का, VCR भरने का, सीटें भरने का, आप ये तो बताओ, फेलियर जो ट्यूबवेल हो जाती है, पंप जले हुए, पीने के लिए पानी वाले पंप जले हुए, 10 दिन 15 दिन में उसकी रिपेयरिंग होके तैयार होके आना चाहिए, 4-4 माह में एक जॉइंट पाइप का आपके पास में नहीं है, किस तरीके से आज राज चल रहा है ये समझ में नहीं आ रही है कोई तरीके से। यह जरूर आपने परिसीमन करके एक तोहफे के रूप में 104 की पंचायत बना दी, जैसलमेर में 304 की पंचायत बना दी, आपने भेदभाव करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, नगर निगम हो नगर पालिका हो, आज आप कह रहे हम जीत गए, आपने 1 400 का वार्ड बना दिया, 1 वार्ड 28,000 का, 1,800 का, 1,3200 का, कैसे आपने परिसीमन, कोई पारदर्शिता नहीं, कोई लाइन नहीं, किस तरीके से जो आपने करके किया है, फिर आप वाई वाई लूट रहे हो, हमारी नगर पालिका बन गई या नगर निगम बन गए, एक तरफ तो आपने 18,000 का वार्ड है, एक तरफ आपके 314 का वार्ड है, किस तरीके से आपने ये कोई तरीका, कोई गाइडलाइन तो होती है आपकी, परिसीमन हमारी सरकार में भी हुआ था, परंतु आपने देखा होगा कि पारदर्शिता के हिसाब से सारा परिसीमन हुआ था। कॉलेज की ये स्थिति है, मैं तो एक ही निवेदन करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, पेयजल का पानी मिल जाए, सड़क का कार्य सारा शुरू हो जाए और शिक्षा में भी तरीके से नवीनता करे। आप कह रहे थे अभी तो फरमा रहे थे कि हमारे माननीय MLA साहब कि युवराज ने ये किया, जहां भी भाजपा की खिलाफत करने के अलावा युवराज ने कुछ नहीं किया, आपने मुझे बोल रहे कि दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री सुरेश मोदी। जस्ट जस्ट माननीय।